2 रुपया कहीं से बचा लेना, लेकिन स्टील का बर्तन पूजा में इस्तेमाल मत करना। सुबह में लगता है डायबिटीज है, नाश्ता करना है, कर लो। कोई परमात्मा दंड लेके नहीं खड़ा हुआ है कि नहीं सुबह तुम बिस्किट नहीं खा सकते, कि तुम नाश्ता नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्वामी जी, दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही तरीका बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। गणपति जी की आराधना के बाद अब नवरात्रि आ रही है, और आप लोगों के कमेंट्स में मैं ढेर सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि सप्तशती के ऊपर, शक्ति उपासना के ऊपर, नवरात्रि के ऊपर कुछ बनाएं। बिल्कुल, जीवन के अंदर मैंने जैसे बताया कि 5 तत्व और 5 तत्वों के अधिष्ठाता जो देव हैं उनकी उपासना बहुत ज़रूरी है, तो शक्ति तत्व जो देवी तत्व है उसकी उपासना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और उसकी उपासना कोई इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, कोई कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। अपने अंदर थोड़ी सी श्रद्धा, समर्पण और चलने का संकल्प हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत सरलतम है। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती आप अच्छे से लें, कोई भी उपनिषद, कोई भी पुराण, कोई भी वेद, कोई भी महाभारत का ग्रंथ आप लेते हैं, मैं बारंबार कहता हूँ, प्रमाणिकता के साथ हिंदुस्तान के अंदर जो बिल्कुल बिना प्रॉफिट बिना लॉस के ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है वो गीता प्रेस गोरखपुर है। आप उनके सभी ग्रंथों को ले सकते हैं, उनकी मासिक मैगजीन्स को भी बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की ही दुर्गा सप्तशती आप लें, हर भाषा में है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी, हर भाषा में है। अब उसके अंदर मान लीजिए आपके पास समय है तो उसी पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम तक पूरा पढ़ें। आप पढ़ने मतलब जानने के लिए पहली बार कि पुस्तक को कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ है, आप प्रश्न पूछो ही मत, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर मान लीजिए 700 श्लोकों की सप्तशती का पाठ आप कर सकते हो तो उसमें दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है कि 1 दिन में कैसे होंगे, 2 दिन में कैसे होंगे, 7 दिन में कैसे होंगे, 9 दिन में, लाइक दैट। पर फिर भी आप नहीं कुछ कर सकते हो तो उसके अंदर है कुंजी का स्तोत्र, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जब आप पढ़ते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके शब्दों का उच्चारण सही हो। YouTube से उसको 2-4 बार किसी के भी आवाज में सुन लीजिए। अनुराधा पौडवाल जी की टी सीरीज के अंदर बहुत सप्तशती पूरी की पूरी आप YouTube पे देख लो और उसका स्वर पकड़ो। नहीं पकड़ सकते हो तो उसको चलने दो। सूक्ष्म रूपेण भी सप्तशती का पूरा पाठ आपके घर में, दुकान में चलता है तो उसकी एक वाइब्रेशन बनती है भाई। कैसे बनती है, प्रमाण दूं? अगर आपके दुकान में अंग्रेजी गाना चलता है तो कैसे आपके पांव हिलने शुरू हो जाते हैं? म्यूजिक का, संगीत का वो पराक्रम होता है। तो आपके पास ये भजन, ये पाठ अगर डिजिटल भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी वाइब्रेशन बनती है। आप खुद करते हो तो उसका वाइब्रेशन डायरेक्ट बॉडी को बेनिफिट करता है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र तो स्वयं शिव पार्वती जी को बता रहे हैं। शिवोवाच, शृणो देवी प्रवक्षामि कुंजी का स्तोत्रम उत्तमम ये न मंत्र प्रभावेण। इस तरह से ये स्तोत्र चलेगा और उसके सारे एक एक अक्षर को आप डिकोड करते हुए पढ़ोगे अर्थ से तो आपको आनंद आएगा। और उसके अंदर जो मुख्य मंत्र आता है नवारण मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है। जब इस मंत्र को करो आप तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। आप अपना आसन हमेशा बिछाएंगे, आपका आसन आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं, और वो अपना आसन किसी और को नहीं देंगे, मतलब न किसी का लेंगे न किसी का देंगे, ठीक। बाकी आसन शुद्ध हो गया, माला शुद्ध हो गई, माला कभी गले में नहीं पहनते हैं जप वाली, वो मैं कई बार कह चुका हूँ। अगर आपका सामर्थ्य है तो ज्योत वगैरह आप जलाएंगे तो बहुत सुंदर है, बहुत लंबे तक नहीं जला सकते हैं तो क्षणिक मात्रा भी उसमें से 2-5 बूंद अगर आप घी या तेल लगाते हो, घी वाली उत्तम है, नहीं कर सकते तो तेल वाली कर लो। अगरबत्तियाँ करने से अच्छा है धूप स्टिक आती है वो करो, धुआं ज़्यादा हो वो वाला नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनिक हो, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई हो। आजकल कई संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं अच्छे धूप बनाती है, उनको महत्व दीजिए। मल्टीनेशनल कंपनियों की अगरबत्तियां और धूप आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं उनके धूप और अगरबत्तियां आप इस्तेमाल करो, ये निश्चय ले लो। चाइना का माल बिल्कुल नहीं, स्वदेशी बनो, यही सनातन की सेवा है, और क्या करोगे धर्म में। तो पाठ करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पूरा सप्तशती खोलते हो तो उसके अंदर नवारण मंत्र के पहले भी अगर पहले पेज से करते हो तो उसमें कवच है, कीलकम है, अर्गला स्तोत्र है, और इंडेक्स से लेकर के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पूजा में कलश स्थापना का एक विधान है। कलश स्थापना क्यों करते हैं?
क्योंकि आपके प्रश्न कई बार आते हैं कि हमें पता नहीं हमारा कुल देवी कौन है, हमें तो पता ही नहीं ये कौन है वो कौन है। कलश के अंदर जब स्थापना करते हैं, अगर किसी ज्ञानी से करवा देते हो तो बहुत अच्छा, स्वयं करना चाहो स्वयं कर लो, कोई नियम नहीं है कि स्वयं नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हो तो बहुत बढ़िया। जो स्थापित भी करने आता है वो क्या लेता है आपसे? 1000 रुपये से ज़्यादा तो नहीं लेता। तो 1000 रुपये उसका भी तो पेट है ना, उसको भी तो रोजी रोटी है, वो दूसरा काम नहीं कर रहा है, इसके लिए उसने समर्पण कर रखा हुआ है। तो उस विचार से भी अगर करते हैं तो वो परफेक्शन के आधार पर आ जाता है। तो कलश स्थापन के अंदर आप देखोगे सप्तशती के अंदर हमें आम्र यानी आम के पेड़ के पत्ते या अशोक जो अश्वपाल हम कहते हैं अश्वपाल, इनमें ऑक्सीनाइजेशन है। ये विज्ञान है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। इससे जो एनर्जी बनती है, सिनर्जी बनती है, माहौल बनता है, वो पूरा पॉजिटिव बनता है। तो कलश स्थापित हो गया, बाकी तो भगवानों की जो भी आपके पास मूर्तियां, बहुत ज़्यादा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्तिक का चिन्ह के ऊपर मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ, स्व में आस्था, यही स्वास्था स्वास्तिक है, स्व में आस्तिक बनो, यही स्वास्तिक है। तो स्वास्तिक जब हम करते हैं तो गणेश जी का स्थापना हो गया। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 2 रुपया कहीं से बचा लेना, लेकिन स्टील का बर्तन पूजा में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि स्टील धातु नहीं है, स्टील एलॉय है। एलॉय समझते हो? धातु तो पीतल हो सकता है, तांबा हो सकता है, सप्त धातु हो सकता है, उसकी एनर्जी अलग बनती है। ये लोखंडी जो हमने बर्तन अपने खाने के भी बर्तन जो स्टील के कर दिए ना, उस दिन से पेट की बीमारियां हो गई, क्योंकि फौलाद को पचाना, अलाय जो है फौलाद है, फौलाद को पचाना बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए भाई। तुम स्टील के अंदर जो ये खाना बनाते हो, ये स्टील की मानो के माइक्रो से माइक्रो लेवल भी आपके पेट में जा रही है, तो उससे आपकी डाइजेशन पावर, अपच पावर खराब हो रही है। हमारे पूर्वज इतने बेकार नहीं थे, पढ़े लिखे थे भाई, ज्ञानी थे। आज पीतलों के बर्तन, पीतल के बर्तन के अंदर खाना खाने का जो गुण आयुर्वेद आपको बताता है, वो आपको पता है कि आपकी 500 बीमारियां दूर कर देगा। ये एल्यूमिनियम में तो जहर है खाना बनाना। तो उसका आप लोटा जो बनाओगे कलश, स्टील का मत बनाना, वो आप मट्टी का बना देना, गड़ा मैं बोलूंगा, मट्टी के जो गड़े बनाते हैं ना कुम्हार, वो रख लेना, बहुत अति उत्तम है, लेकिन स्टील का मत बनाना। तो पीतल का हो, तांबे का हो, मट्टी का हो, वो कलश स्थापित कर लेना। और मान के चलना, जब आप पुस्तक पढ़ते हो तो बड़े आदर से, गंभीरता से, और मन स्थिर करके करना। मन स्थिर करने का मतलब है छोटा सा, जैसे श्वास प्रश्वास को ठीक कर दिया, इधर उधर ध्यान मत देना, भूल से भी मोबाइल सामने मत देखना कि मैसेज देखते इधर उधर, बीच में जो उठाने की आदत पड़ी हुई है ना पूजा के बीच में, ये कहीं आपको उसका पुण्य नहीं देगा। मोबाइल को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर, ये रेडिएशन से बच जाओगे और शांति के अनुभव में आ जाओगे। मोबाइल को दूर रखो, ये व्रत रह सकते हो तुम। और नवारण मंत्र का अनुष्ठान आपकी श्रद्धा अनुसार 108 करो, 1000 करो, 10000 करो, 1,00,000 करो, आपकी कैपेसिटी में। किसी भी चीज़ का अति मत करना। गीता में लिखा जरूर हुआ है, यज्ञ दान तप, तप का मतलब उतना ही तप करो जिससे ये शरीर टिक जाए। शरीर ही चला गया तो फिर तप का क्या फायदा? हम तप कर क्यों रहे हैं? आत्मा उन्नति के लिए ना, आत्मज्ञान के लिए। अगर ये शरीर उसका माध्यम है, वो शरीर टिकेगा नहीं तो फिर इतना तप करोगे क्या? तो उपवास वो करो जो तुम्हें डाइजेस्ट होता है। एसिडिटी हो गई, शरीर बिखर गया, डॉक्टरों का बिल आ रहा है, मत करना। ऐसा कहीं किसी वेदों में नहीं लिखा हुआ है कि अपने को कष्ट देकर, अपने को मार करके तुम ये सब करोगे, नहीं। मन प्रफुल्लित है, करो। सुबह में लगता है डायबिटीज है, नाश्ता करना है, कर लो। कोई परमात्मा डिनर लेके नहीं खड़ा हुआ है कि नहीं सुबह तुम बिस्किट नहीं खा सकते, कि तुम नाश्ता नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम एक डिसिप्लिन के लिए है, ये नियम अध्यात्म की चरम सीमा नहीं है, ये तुम्हें डिसिप्लिन करने के लिए है। तो थोड़ा सा जब जब तुम शास्त्र पढ़ोगे, ये गीता प्रेस गोरखपुर के, इसमें पूरी फरस्त मंगवा लो, सारे बुक्स उसमें लिखे हुए, उनको पढ़ना शुरू करो, खुद पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। जैसे ये वीडियो तुम देखते हो तो और कुछ नहीं कर सकते हो, तो दूसरों का ज्ञानवर्धन करने के लिए आगे तो भेज ही सकते हो, ये दान तुम कर सकते हो। अब मैं अपने स्वयं के अनुभव क्या बताऊं, सप्तशती तो सप्तशती है, इस बार भी हम अपने आश्रम में सप्तशती का आयोजन करेंगे और हो सका तो लाइव उसकी टेलीकास्ट भी रखेंगे। पर नहीं किसी परिस्थिति से कर सकते हो तो नवारण मंत्र का कर सकते हो अनुष्ठान, और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र उसका मूल है तो उसका अनुष्ठान कर सकते हो। मेरे अपने अनुभव से बताऊं तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, मुझे एक बार रात को किसी का फोन आया था, मेरे विशेष परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि मैं
आत्महत्या करने जा रही हूं। मैंने कहा क्यों भाई? अब कोई आदमी फोन पे आपको बोले आत्महत्या कर रहे हो, उसको नहीं रोकोगे तो कानूनन तो हम भी अंदर आ गए। पर मैंने उसको कोई इस तरह से डर करके नहीं रोका। मैंने कहा क्या समस्या है तुम्हारी? तो बोले ये 1 2 3 4 5 6 ये समस्या है। अच्छा, ये आत्महत्या करने से ठीक हो जाएगी? तो एक पूरा 1.5 घंटा हमारा रहा संवाद, और मैंने किसी तरह से उनको ये राजी कर दिया कि तुम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर लो, तुम्हारा काम ना हो मेरी गारंटी है। आज वो जीवित है। उनको जो परेशानी आ रही थी ससुराल में, पुत्र नहीं हो रहा था, 3 बेटियां हो गई थी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुत्र और पुत्री में फर्क है इसीलिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर लो, इस मूर्खता में मत पड़ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम कोई भी निश्चय कर लो, अगर तुम्हारी योग्यता है, काबिलियत है, परमात्मा की कृपा है, तो ये उसमें मददगार साबित होते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव ऐसे कई लोगों के साथ, कई कई जगहों पर मेरी माताओं बहनों का फोन आता है कि बच्चियों का ब्याह नहीं हो रहा है, यही सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का अनुष्ठान, और उसका जल तैयार करवा देते हैं, वो जल फिर उसका उपयोग होता है, पीने में भी होता है, छांटने में भी होता है। जिस जगह हमारा आश्रम है वो नदी के किनारे है, तो शुरू में बहुत जहरीले वाइपर सांप आते थे, तो गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से सप्तशती के अनुष्ठान का जल जो तैयार किया गया था, जल बस सामने आपने लोटे में भर दिया, स्टील वाला नहीं होना चाहिए, उसमें करके उस जल को हमने पूरे कैंपस में छांट दिया। आप अपने घर में भी छांट सकते हो, बंगले पे छांट सकते हो, पूरे उस जहाँ जहाँ आपको चाहिए। तो जैसे ही हमने आश्रम को उसमें किया तो वो आश्रम का दिग्बंध हो गया। भगवान की असीम कृपा है, इतने साल हो गए हमने कभी भी वाइपर सांप अपने आश्रम में फिर नहीं देखा, जबकि नदी पूरी किलोमीटरों तक पट है। तो ये अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सकारात्मक ऊर्जा तो ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पिछले जेल के अनुभव में बताया, वो प्रवेश ही नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि आपने अपने आश्रम को किसी ऊर्जा से बांध रखा है। मैंने कहा बिल्कुल, वो सप्तशती की ऊर्जा है। तो ये मान के चलना कि सप्तशती बहुत साधारण नहीं है। बंगाल के अंदर तो उस नवरात्रि के समय प्रारंभ सुबह का इसी सप्तशती के द्वारा होता है। रेडियो पर पहले ऑल इंडिया रेडियो वही चलाता है बरसों से। ये शक्ति का स्थल है, ये शक्ति का महात्म्य है। तो वो ऊर्जा वाला जल अगर अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने घरों के क्लेश को हटाने के लिए आप तैयार कर रहे हो, बस सप्तशती का पाठ करो, सामने जल रखो और ये कामना कर दो कि ये जल बन रहा है, जिसको पीना है पी ले, जो बच जाए वो पेड़ में डाल देना, तो वो ऊर्जावान जल आप बना सकते हो। इसी जल को चारों तरफ, मैंने जैसे बताया, प्रेत बाधा, भूत बाधा है, आपको कहीं संशय लगता है तो वो भी दूर होती है इससे। आपके अंदर खुद की श्रद्धा होनी चाहिए। इन्हीं जल को तैयार करते हुए पेड़ पौधों तक को डालते हैं तो उसमें भी चैतन्यता का, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अंतर आता है। जानवर जो होते हैं, अपने गाय हैं, भैंस है, बकरियां हैं, इनमें भी आप ये कर सकते हो। नित्य पूजन के लिए आप जो पूछते हो कि कैसे हम करें, नित्य पूजन की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, आप पढ़ेंगे उसी को ही फॉलो करेंगे, कोई उसमें त्रुटि नहीं है, प्रमाणिक है। तो इस नवरात्रि को अगर आप स्वामी योग के साथ जुड़े हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। औरों को भी करवाओ, प्रेरणा दो, उसके माध्यम बनो, तो ये प्रसाद आपके भी झोली में पड़ता है। अगली बार किसी और विषय को लेकर के इसी चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है स्वामी योग। तब तक नमो नारायण।